बरसात में भी यदि लोगों को अपनी प्यास बुझाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़े तो इसे आप क्या कहेंगे। लेकिन यह बात सही है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के ग्राम पंचायत चिर्रा के भानुपखारा के ग्रामीण जल संकट से जूझ रहे हैं। गांव में एक भी जल स्रोत नहीं होने की वजह से पानी की किल्लत हो रही है। लोग बरसात के कारण गड्ढों में जमा हुए जल का उपयोग पीने के लिए कर रहे हैं। ग्रामीण इस बात से अनजान है कि ऐसा पानी पीने से उन्हें कई प्रकार की बीमारी हो सकती है, लेकिन उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है। गांव में एक हैंडपंप है, लेकिन उसमें काला पानी निकलता है जो पीने लायक नहीं है। जो नलकूप खोदे गए थे उसमें से भी काला पानी निकला। लोग उसी भूमिगत जल का उपयोग पीने और निस्तारी के लिए कर रहे हैं। भालूपखारा मोहल्ले के लोग सालों से संकट से जूझ रहे हैं और कई किलोमीटर दूर जाकर नाले का पानी पीने के लिए लाते हैं। 10-12 साल से पानी की समस्या है। हम लोग पानी पिए के नहीं है। हम नरवा के पानी ले पीथन जो कि गंदा थे, बहते और में कीड़ा मकोड़ा मरे रहते, हम लोग बीमारी भी होते। जब महिला मन वो नाला के पानी ले लानते जंगल करला, अब वो पानी में कीड़ा मकोड़ा और पानी से पिए से सर्दी खांसी नहाए से भी खुजली हो जाते। सबसे बड़ा समस्या हमारे पानी के है। पानी के बहुत समस्या है। कै साल समस्या पानी के? 20-25 साल। तो पानी कैसे कैसे नहाए धोए पिए पर? में नहाते हैं, पीते हैं। कहाँ उड़ा है पानी? कहाँ मेरे के पानी? नरवा जंगल।